नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Poco M3 Pro 5G versus Samsung Galaxy F62 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Poco M3 Pro 5G में 6.37 इंच जबकि Galaxy F62 में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Poco M3 Pro 5G में 2.96 इंच जबकि Galaxy F62 में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Poco M3 Pro 5G में 0.35 इंच जबकि Galaxy F62 में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Poco M3 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Poco M3 Pro 5G में 190 ग्राम जबकि Galaxy F62 में 218 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Poco M3 Pro 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Poco M3 Pro 5G में IPS LCD जबकि Galaxy F62 में Super AMOLED Plus की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Poco M3 Pro 5G में 6.5 इंचेस जबकि Galaxy F62 में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Poco M3 Pro 5G में 83.72% जबकि Galaxy F62 में 86.66% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Poco M3 Pro 5G में 405 पिक्सल प्रति इंच जबकि Galaxy F62 में 393 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Poco M3 Pro 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy F62 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Poco M3 Pro 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy F62 की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Poco M3 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Galaxy F62 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Poco M3 Pro 5G में Mali G57 MC2 जबकि Galaxy F62 में Mali G76 MP12 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Poco M3 Pro 5G में MediaTek Dimensity 700MT6833 और Galaxy F62 में Samsung Exynos 9 Octa 9825 मिलता है। बात करें RAM की तो Poco M3 Pro 5G में 4GB जबकि Galaxy F62 में 8GB मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Poco M3 Pro 5G में 64GB जबकि Galaxy F62 में 128GB मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Poco M3 Pro 5G में 5000 mAh जबकि Galaxy F62 में 7000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो पोको M3 Pro 5G की 15,990 रुपीस जबकि गैलेक्सी F62 की 18,499 रुपीस प्राइस है, जो कि पोको M3 Pro 5G से ज्यादा है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Xiaomi Poco M3 Pro 5G में 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy F62 की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Galaxy F62 आगे है, मेन कैमरा में Galaxy F62 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Galaxy F62 आगे है, इंटरनल मेमोरी में Galaxy F62 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Narzo 30 है जो कि 12,499 रुपए में मिलता है। दूसरा Samsung Galaxy M32 है जो कि 16,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Samsung Galaxy A22 5G है जो कि 18,149 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Nokia G20 है जो कि 14,290 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।